Hello, friends. In today's class, we have to study about the characteristics of a shunt motor. In the last class, we had studied about the characteristics of a separately excited motor. So, uh, let's get started. So, we have to study about the characteristics of a shunt motor. So, this is your Shunt motor, इसमें क्या होता है योर वाइंडिंग दिस इज कनेक्टेड इन पैरल विद द आर्मेचर सर्किट सो इज आपकी करंट आई एफ दिस विल बी इक्वल टू द टोटल अप्लाइड वोल्टेज वी अपॉन ये आर एफ सो योर आई एफ इज इक्वल टू वी अपॉन आर एफ एंड

आर्मेचर करंट है टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट है स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट एंड स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स योर कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी सिमिलर एज इन एक्साइटेड मोटर बस डिफरेंस क्या है यहाँ पे क्रेट ओनली वन सच कैरेक्टरिस्टिक विल बी ऑप्टेन इंस्टेडरिस्टिक्सरेटली एक्साइटेड मोटर में क्या होता था हम एक नया हम फील्ड करंट को चेंज करते थे फील्ड करंट को चेंज करने की वजह से क्या होता था हमें एक नया वैल्यू मिलता था फ्लक्स का उसकी वजह से एक नया कर्व हमें मिलता था बट यहाँ पर क्या होगा यू विल जस्ट गेट वन कर्व इनस्टेड ऑफ ए फैमिली ऑफ कर्व्स सो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है सो यू वांट राइट दैट आई वर्सेस आई सेम ए सेपरेटली एक्साइटेड मोटर सो वहाँ पर आपको बताना है कि कैसे uh, जैसे हमारा आई ये बढ़ता है कैसे आई में ड्रॉप आता है सो यू हैव टू शो दैट जैसा सेपरेटली एक्साइटेड मोटर में बताया था बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पर भी बताना है बस जब आप करैक्टरिस्टिक बनाओगे इंस्टेड ऑफ अ फैमिली ऑफ करस यहाँ पर आपको सिर्फ एक कर मिलेगा सो so, ये है अबाउट द कररेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए शंट मोटर नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सीरीज मोटर

तो अगर आप ये लूप लोगे तो जो, जो आपके पास यहां से आ, इसकी इक्वेशन निकलेगी योर वी विल बी इक्वल टू प्लस आई ए ये जो आपका यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस आर ए प्लस ये वाली रेजिस्टेंस सीरीज रेजिस्टेंस तो अगर यहां से हम ए का वैल्यू निकालेंगे जो बैक ई एम एफ ई ए है दिस इज इक्वल टू माइनस आई ए plus r series तो <coughs> यहाँ पर सिंपल एक मैंने ओम्सा लगाया तो दिस इज ए वोल्टेज राइज सो वी दिस इज इक्वल टू आई ए इंटू आर सीरीज तो ये जो आर ए है इसको मैं आप ऐसे भी दिखा सकती हूँ यहाँ पर एक रेजिस्टेंस सो दिस बी आई ए आर ए प्लस आर सीरीज प्लस दिस ई ए दिस इज इक्वल टू वी और यहां से मैंने ई e ए का वैल्यू निकाल लिया तो अगर आप यहां पर देखोगे अब ई ए वर्सेज आई ए कैरेक्टरिस्टिक आपका तो हमने यहां पर देखा कि जो ई e ए है दिस इज इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज वी माइनस आई ए आर ए प्लस आर सीरीज तो आप यहां पर देख रहे हो कि दिस इज द ये आपकी लाइन की इक्वेशन है जैसे आपकी लाइन की इक्वेशन होती है एम एक्स माइनस सी तो यहां पर भी एक्जेक्टली exactly वही आपकी लाइन की इक्वेशन आ रही है सो दिस इज ये और ये है आपका तो दिस इज योर एक को बढ़ाते जाओगे ये वाला ड्रॉप बढ़ता जाएगा एंड हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक ड्रुपिंग कैरेक्टरिस्टिक मिल जाएगा so, we'll get a characteristic like दिस जो यहाँ पे ये ड्रूप है आपका इस दिस स्लोप दिस इज आर ए प्लस आर सीरीज। सो दिस इज योरिस्टिक आर ए प्लस आर सी ये आपका स्लोप है क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है तो नेगेटिव स्लोप है नेगेटिव स्लोप का मतलब कि यहाँ पर क्या होगा ये जो आपका ये लाइन आ रही है ये नीचे की तरफ ड्रूप करेगी अगर यहाँ पे प्लस होता तो ये यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक ऊपर की तरफ जाता है बट क्योंकि माइनस है तो क्योंकि स्लोप नेगेटिव है तो आपका ऐसा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा सो दिस इज योर ई ए वर्सेज आई ए कैरेक्टरिस्टिक सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज फ्लक्स वर्सेज आर्मेचर करंट अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है ये जो आपकी आर्मेचर uh, करंट है यही फ्लो हो रही है थ्रू आवर सीरीज फील्ड वाइंडिंग सो जो हमारा फ्लक्स है दिस इज ए फंक्शन ऑफ जो सीरीज वाइंडिंग में टर्न्स होंगे एंड दिस करंट तो जो आपका फ्लक्स है फ्लक्स फील्ड वाइंडिंग की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है फील्ड वाइंडिंग में जो जो हैं वो है NAC, और जो करंट तो जब हम सेपरेटली एक्साइटेड मोटर पढ़ रहे थे वहां पर क्या होता था फील्ड सर्किट अलग था आर्मेचर सर्किट आपका बिल्कुल अलग था तो वहां पर अगर हम आई को चेंज करते थे तो फील्ड करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि दोनों सर्किट्स अलग थे सेपरेटली एक्साइटेड मोटर में लेकिन यहां पर अगर आप आईए को चेंज करोगे तो क्योंकि आईए और ये जो करंट थ्रू योर फील्ड तो सेम है तो अगर आप करंट को चेंज करोगे तो आपका फ्लक्स यहां पर चेंज हो जाएगा और फ्लक्स जो है क्योंकि दिस इज अ फंक्शन ऑफ योर सीरीज करंट तो योर फ्लक्स दिस इज अ फंक्शन ऑफ योर सीरीज करंट तो अब जैसे जैसे इस सीरीज करंट को बढ़ाओगे आपका फ्लक्स भी बढ़ता जाएगा तो ये लीनियरली बढ़ता जाएगा सो दिस इज फ्लक्स ये है आपकी आर्मेचर करंट आई ए तो अब जैसे योर आई ए इज इक्वल टू योर करंट थ्रू द फील्ड वाइंडिंग तो अब जैसे जैसे इस करंट आईए को बढ़ाओगे आप देखोगे कि आपका फ्लक्स भी बढ़ता जाएगा बट <laughs> ऐसा नहीं है कि आप करंट को बढ़ाते जाओगे फ्लक्स बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा एक पॉइंट आएगा जिसके बाद सेचुरेशन आ जाएगी और जैसे ही सेचुरेशन आ जाएगी उसके बाद आप क्या देखोगे कि आपका करो ये ऐसे ये जो फ्लक्स है अब आपका कॉन्स्टेंट होना स्टार्ट हो जाएगा एंड फाइनली ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं हमारे पास अब दो रीजन आ रहे हैं ये इस कर्व में हमारे पास ये दो रीजन हैं एक रीजन है जहां पर हमारा फ्लक्स जहां पर हम काम कर रहे हैं ये जो ये वाला रीजन है दिस इज योर अनसेचुरेटेड रीजन दिस इज द अनसेचुरेटेड रीजन और ये एक रिजन है जहां पर हमारा फ्लक्स सैचुरेट हो चुका है तो इस रीजन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड रीजन तो यहाँ पर क्या किया हमने करंट को हम बढ़ाते गए फ्लक्स हमारा बढ़ रहा था लीनियरली आपका फ्लक्स बढ़ रहा था बट आफ्टर दिस पॉइंट अब क्या हो रहा है कि हमारा जो ये है मशीन है दिस इज याब

तो जब भी आप डीसी सीरीज मोटर के बनाते हो, तो आपको एक ख्याल रखना पड़ता है और अनसेचुरेटेड रीजन के लिए थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है उसमें आपको ये चीज अच्छे से समझ आ जाएगी सो so आपका जो थर्ड uh, कैरेक्टरिस्टिक होता है दैट इज टॉर्क वर्सेस करंट दिस इज योर टॉर्क वर्सेस करंट कैरेक्टरिस्टिक तो हम जानते हैं कि जो हमारा टॉर्क होता है दिस इज इक्वल टू के फाइ आई एब हमारे पास दो रीजन है फर्स्ट रीजन है आपका अनसेचुरेटेड रीजन और दूसरा आपके पास है योर सैचुरेटेड रीजन सो सेचुरेटेड रीजन में क्या है योर फ्लक्स जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द

एंड अब ये कांस्टेंट बन चुका है तो यहां पर अगर आप टॉर्क इक्वेशन अपनी देखोगे दिस विल बी के तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू है आपका के कांस्टेंट है आपका ये फ्लक्स कांस्टेंट है तो इस रीजन में क्या हो रहा है सैचुरेटेड रीजन में टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट अब आप रीजन में देखो अगेन टॉर्क है हमारा टॉर्क इज इक्वल टू के फाइ की जगह पे ये वाला वैल्यू सब करो सो योर टॉर्क विल बी इक्वल टू के इनटू के सीरीज आई एन टू आई ए सो योर टॉर्क इज इक्वल टू ये देखो जो आपका ये के है के सीरीज है ये कांस्टेंट है सो so, यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा टॉर्क है दैट इज प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट का स्क्वायर तो यही चीज मैं आपको बोल रहा था जब कैरेक्टरिस्टिक बनाओगे सीरीज uh, मोटर का तो वहां पर क्या होता है कि आपको अनसैचुरेटेड रीजन के लिए थोड़ा डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगे और सैचुरेटेड रीजन के लिए आपको डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगे सो so, If I draw the characteristics तो हमारे पास दो रीजन्स हैं यू डोंट हैव टू शो दिस ये जो मैं यहां पर ये यह ऐसे ये बॉर्डर सा दिखा रहा हूं ये आपको दिखाने की जरूरत नहीं है सो so, ये जो पहला वाला है आपका अनसेटेड रीजन ये वाला है सैचुरेटेड रीजन दिस इज आई ए दिस इज योर टॉर्क तो देखो पहले वाले रीजन में क्या हो रहा है जो आपका अनसेचुरेटेड रीजन है टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट तो जब टॉर्किस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्र ऑफ करंट तो जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा वो ऐसा एक लीनियर सा कैरेक्टरिस्टिक आपके पास नहीं आएगा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास नहीं आएगा हमारे पास क्या मिलेगा हमें वी विल गेट रेक्टरिस्टिक लाइक दिस आपको पैराबोलिक कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा यहां तक और उसके बाद क्या हो रहा है जो आपका सैचुरेटेड रीजन देखो यहां पर क्या हो रहा है टॉर्क

जो हमारा फ्लक्स है इट वेरीज लीनियरली विद योर आर्मेचर करंट बट यहाँ पर आपका फ्लक्स सेचुरेट हो चुका है फ्लक्स का वैल्यू अब कांस्टेंट है सो इवन इफ यू चेंज आइए आपका फ्लक्स अब चेंज नहीं होगा तो इसकी वजह से आपको ऐसा ये कर्व मिल गया सो so, ऐसे आपका टॉर्क और करंट कैरेक्टरिस्टिक चेंज होते हैं नेक्स्ट इज स्पीड वर्सेस करंट कैरेक्टरिस्टिक्स सो वी नो दैट ई एज इक्वल टू के फाइ ओमेगा एम तो यहां से आप देख सकते हो कि ओमेगा एम इज इक्वल टू ईए अपॉन के फाइव फर्स्ट रीजन इज द अनसे यहां पर जो आपका फ्लक्स है दिस इज अ फंक्शन ऑफ योर आर्मेचर करंट सो यहां पर क्या हो रहा है फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर आर्मेचर करंट लेकिन सैचुरेटेड रीजन में क्या हो रहा है जो आपका फ्लक्स है दिस इज कांस्टेंट सो ओमेगा एम विल बी इक्वल टू यहां पर ई ए का वैल्यू सब कर लो वी माइनस आई ए आर ए प्लस आर सीरीज अपॉन देखो के फाइ है यहां पे और यहां पर भी के है। अब फाइ की जगह पे हम क्या कर लेंगे ये वाला वैल्यू सब कर लेंगे so, यार ओमेगा एम विल बी इक्वल टू अपॉन देखो के फाइव था तो के की जगह पे देखो यहां पर क्या होगा आपका के एन टू यहां पर फाइव था तो वहां पर हमने देखा था दिस इज इक्वल टू तो के सीरीज एन टू आई तो देखो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो दो कांस्टेंट की जगह पे अब मैं एक ही कांस्टेंट यहां पर लिखूंगा, सो वी अपॉन के आए माइनस आए आर ए प्लस आर सीरीज अपॉन के आए

वेरी स्मॉल में ये वाला वैल्यू आता है तो जब आप आईए को एक बहुत ही छोटे वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू बहुत कम होने वाला है तो अगर समझो आपकी करंट टेन है और इन दोनों को ऐड करके आपके पास वैल्यू आ रहा है जीरो पॉइंट जीरो वन तो ओवरऑल क्या हो रहा है आपका जो न्यूमरेटर है न्यूमरेटर का वैल्यू क्या हो रहा है वो कम हो रहा है तो यहाँ पर देखोगे ये वाला वैल्यू जीरो पॉइंट वन ही आ रहा है अपॉन देखो अब ये आई मैंने टेन लिया है तो जीरो पॉइंट वन अपॉन टेन और जो ये के होता है दिस के दिस इज अ वेरी लार्ज वैल्यू तो अपने जब ये में फिक्वेसन निकालते हैं वहां पर आपने देखा होगा कि दिस के दिस इज अ वेरी लार्ज वैल्यू जब का के होता है दिस इज इक्वल टू पी जेड अपॉन टू पाई ए इज द नंबर ऑफ पैरल पी है आपका पोल जेड है नंबर ऑफ कंडक्टर ऑफ कंडक्टर्स बहुत ही ये जो वैल्यू होता है ये बहुत बड़ा होता है तो इसकी वजह से क्या होगा क्योंकि जेड का वैल्यू बहुत ज्यादा है फिर नंबर ऑफ पोल से मल्टीप्लाई हो रहा है सो दिस के दिस इज अ वेरी बिग वैल्यू तो ये जो आपका वैल्यू है क्योंकि यहाँ पर के आपका डिवाइड में आ रहा है और ऑलरेडी टर भी हमारा छोटा वैल्यू तो ये जो आपका ये वाला वैल्यू है दिस बिकम्स जीरो सो अगर ये वाला पार्ट जीरो हो गया सो योर ओमेगा एम दिस विल बी इक्वल टू वी अपॉन के टू के सीरीज एन टू आई दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, सो आई कैन से दैट माय ओमेगा एम इज

सिंस दिस इज कॉन्स्टेंट नाउ योर ओमेगा एम विल बीवल टू वी अपॉन के प्लस आर सीरीज अपॉन के फाइ सू आगर जिसको याद नहीं है लेटमी रिमाइंड यू वंस अगेन ए होता है बराबर अपॉन के, के तो यहां से जो ओमेगा एम होता है दिस इज इक्वल टू तो अपॉन के फाइ और जो हमारा ये हमारा ई ए होता है ई इज इक्वल टू तो वी माइनस आई ए आर ए प्लस आर सीरीज डिवाइडेड बाई के तो यहां इक्वेशन आ गई तो अगर आप अब इस इक्वेशन को देखोगे दिस इज सिमिलर टू द इक्वेशन ऑफ योर स्ट्रेट लाइन जहाँ पर ये आपका स्लोप है दिस इज योर स्लोप एम एक्स की जगह पर आइए और ये है आपका वाई इंटरसेप्ट तो जब आप यहाँ पर अब स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक बनाओगे तो हमारे पास एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक हमें मिलेगा आइए ओमेगा m पहले देखो ओमेगा m जो है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ia सो अगर आपका ia का वैल्यू बहुत कम है तो ये चीज आप देख सकते हो कि ओमेगा m का वैल्यू बहुत ही ज्यादा हाई होगा और जैसे-जैसे आप जैसे ia को बढ़ाते जाओगे ओमेगा m का वैल्यू कम होता जाएगा तो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे स्टार्ट होगा और उसके बाद ये तो हो गया आपका अनसेचुरेटेड रीजन इसके बाद एक आपके पास नॉर्मल सी लाइन वाली ये कर्व जो है उसके बाद ये लाइन वाला कर्व बन जाता है So, अगर आप इसको एक्सटेंड कर पाते तो ये कर्व कहां पर कट करता यहां पर वी अपॉन के एफ सेट तो पहले क्या होगा फॉर स्मॉलर वैल्यूज ऑफ आई ए स्पीड विल बी वेरी लार्ज और जैसे जैसे वाई को बढ़ाते जाओगे तो आप देखोगे कि ये स्पीड कम हो रही है तो ये दिस इज अप टू दर ये आपका अनसेचुरेट रीजन उसके बाद जैसे ही आपका फ्लक्स सेचुरेट हो जाएगा अब आपके पास ये वाली इक्वेशन आई तो देन आपके पास एक ऐसा करवा जाएगा स्ट्रेट लाइन बट विद नेगेटिव स्लोप उसको थोड़ा अच्छे से आप बना लेना आपके पास उसके बाद एक ऐसा सिंपल सा ऐसा करो आ जाएगा अगर तो आप इस लाइन को एक्सटेंड कर पाते तो क्योंकि आपका वाई इंटरसेप्ट है वी अपॉन के सेट तो यहाँ पर इसको कट कर लेता इसमें भी हमारे पास ये दो रीजन आ गए एक सो so, ये आपका अन रीजन है दिस इज योर अनसे रीजन एंड दिस इज यचुरेटेड रीजन सैचुरेटेड रीजन के लिए ये वाली इक्वेशन वैलिड है अनसेचुरेट रीजन में आप क्या देख रहे हो योर ओमेगा एम इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू योर आर्मेचर करंट यहाँ पर एक पॉइंट में आपको बोलना बोल गया था तो जो आपका टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक था यहाँ पर हमने देखा था कि ये जो आपका इनिशियल जब आप देखते हो यहां पर क्या हो रहा है आपका जो टॉर्क है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ योर आर्मेचर करंट तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो आपका सीरीज डीसी सीरीज मोटर होता है जो इसका स्टार्टिंग टॉर्क होता है दिस इज वेरी हाई स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा यहाँ पर अगर जहाँ अपने मोटर को स्टार्ट करते हैं सो योर डी सीरीज मोटर उस टाइम पे क्या होगा योर टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट और स्टार्टिंग करंट इज यूजुअली वेरी हाई तो ये जो आपके डीसी सीरीज मोटर होते हैं दे गिव अस ए वेरी हाई स्टार्टिंग टॉर्क तो जिन जगहों पे आपको यू रिक्वायर है वेरी हाई स्टार्टिंग टॉर्क यू कैन गो फॉर योर डीसी सीरीज मोटर in a dc series motor your normal starting torque is four to five times your full load torque next is the speed torque characteristics so once again your omega m this is equal to e upon k phi क्ल टू वी माइनस आई ए आर ए प्लस आर सीरीज अपॉन के फाइसन एज वी अपॉन के फाई माइनस आर ए प्लस आर सीरीज अपॉन के फाई अब देखिए यहाँ पे जो आपका टॉर्क है टॉर्क इज इक्वल टू के फाइ So, यहां से योर इज इक्वल टू टी अपॉन के हमें चाहिए ओमेगा एम टॉर कैरेक्टरिस्टिक तो आपको इस इक्वेशन को कुछ भी करके ऐसा बनाना है कि इसमें टॉर्क और ओमेगा एम आ जाए तो इस आई ए को रिप्लेस कर दो टी अपॉन इसको टी अपॉन के फाइव से रिप्लेस कर लो तो जो हमारा ओमेगा एम है दिस विल बी इक्वल टू वी अपॉन के फाइव माइनस इस आई की जगह पे आएगा टी अपॉन के फाइव नीचे ऑलरेडी के फाइव है सो दिस विल बी टी अपॉन के फाइव स्क्वायर आर ए प्लस आर सीरीज एंड नाउ फिर से कैरेक्टरिस्टिक में पहले अनसैचुरेटेड रीजन के लिए हम कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे सो हेयर योर फ्लक्स इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड बाय योर आर्मेचर करंट तो यहाँ पर क्या हो रहा है जो आपका फ्लक्स है That depends upon your armature current. So your omega m will be equal to V upon k phi thava hamper. So we can write it as k into k series into I A. Minus R A plus R series. यहाँ पर अगर आप ये वाली पहले इक्वेशन देखोगे वी अपॉन इसको के के सीरीज इंटू आई ए माइनस आई ए आर ए प्लस आर सीरीज के के phi की जगह पे के सीरीज इंटू आई ए आई ए और ये आई ए आपका कैंसिल हो जाता है तो यहां पर अगर आप देखोगे ओमेगा विल बी इक्वल टू वी अपॉन के सीरीज आई है और यहाँ पर क्या आ रहा है आर ए प्लस आर सीरीज के इंटू के सीरीज अगेन ये एक बड़ा वैल्यू है न्यूमरेटर हमारा बहुत छोटा है सो so ये जो है आपका दिस विल बिकम जीरो वीनो के हमारा जो टॉर्क है दिस इज इक्वल टू के फाइव इंटू आई है तो यहाँ से आप देख सकते हो टॉर्क इज इक्वल टू फाइव की जगह पे के सीरीज इंटू आई ए तो यहाँ पर आ गया आई ए स्क्र तो यहाँ से आप देखो आपका टॉर्क आ रहा है to, मैं की में K K कुछ नहीं किया टी अपन के लिए और क्योंकि यहां पर स्क्वेयर है तो आई ए इन टर्म्स ऑफ टॉर्क मेरा ऐसा आ गया सो योर ओमेगा एम नाउ दिस विल बीक्वल टू वी अपॉन के सीरीज अब आई की जगह पर यह वाला वैल्यू डाल दो अंडर रूट ऑफ टी अपॉन अंडर रूट ऑफ के इंटू के सीरीज तो यहां पर आप देख रहे हो कि योर तो ओमेगा

योर टॉर्क रीजन में क्या होगा इन योर सैचुरेटेड रीजन या इज इक्वल टू फाइव योर ओमेगा एम दिस इज इक्वल टू वी अपॉन के फाइव सेट माइनस आर ए प्लस आर सीरीज आई अपॉन के फाइ सेट तो आपका टॉर्क जो होता है दिस इज इक्वल टू के फाइव आई ए यहां पर आपका फ्लक्स सैचुरेटेड है तो Ia. <coughs> तो आई यहां से आई इज इक्वल टू टी अपॉन के फाइ सेट अब ये वाला वैल्यू इस इन इक्वेश में डाल दे तो हमारा जो स्पीड है दिस विल बी इक्वल टू वी अपॉन के फाइव सेट माइनस आर ए प्लस आर सीरीज के फाइव सेट और आई की जगह पे ये वाला वैल्यू पुट कर दो टी अपॉन जब मैं के फाइव सेट डाल दूंगा तो दिस विल बी इसका स्क्वायर अब यहां पर देखो वंस अगेन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इंटरसेप्ट स्लोप और ये है एक्स एक्सिस पे हमारा टॉर्क आर तो जो हमारे टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो डीसी सीरीज मोटर में ऐसे आ जाएंगे दिस इज टॉर्क तो पहले अनसॉर्चुलेट में क्या हो रहा है योर स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन रूट तो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क तो स्टार्टिंग में आपको एक ऐसा कर्व मिलेगा और जैसे ही आप अब सैचुरेटेड रीजन में आ जाओगे अब आपके पास क्या आ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक एक लाइन का कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है तो विद नेगेटिव स्लोप सो इसके बाद आपके पास ऐसे डिक्रीजिंग स्लोप के साथ बट एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल जाएगी तो आपको कुछ ऐसा ये कर्व चेंज हो रहा है पहले ऐसे और उसके बाद लीनियरली चेंज हो रहा है सो so, अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो दिस वुड कट एट वी अपॉन के सेट। पर जो ये ड्रूप है ये आपका तो है 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 प्लस आर सीरीज के फाइव सैचुरेटेड का स्क्वेयर यहाँ से यहाँ तक ये आपका ड्रूप है और इस वाले रीजन में आप क्या देख रहे हो कि जो स्पीड है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क यहाँ पर हम एक चीज देख रहे हैं कि इनिशियली क्या हो रहा है यहाँ पे एट अगर आपका लोड कम है तो जो स्पीड होती है दे गो टू डेंजरसली हाई लेवल्स पर भी देखो जो आपका जब लो आर्मेचर करंट्स थी तो यहाँ पर क्या हो रहा था ये और ओमेगा एम ये जो होता है दिस गोस टू वेरी हाई वैल्यूज सो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं वट वी कैन इन्फर फ्रॉम दिस कैरेक्टरिस्टिक्स That at extremely low loads, जो स्पीड होती है आपके डीसी सीरीज मोटर की स्पीड गोज गोसटो एक्सट्रीमली हाई वैल्यूज तो एट एक्सट्रीमली लो लोड्स जो स्पीड होती है दे गो द स्पीड गोज टू एक्सट्रीमली हाई वैल्यूज तो कभी भी आप डीसी सीरीज मोटर को नो no लोड पे कभी रन नहीं करोगे सो नेवर रन ऑन नो लोड तो एट नो लोड क्या होगा आपकी जो ये करंट आई ए है दिस विल बी जीरो कोई लोड ही नहीं है तो एट दैट टाइम जो आपका सीरीज मोटर है तो आइडियली जो आपकी करंट क्योंकि आए जीरो स्पीड विल बी इनफाइनाइट तो आपका मोटर इतना तेज रोटेट करेगा कि अपनी फाउंडेशन से ही निकल जाएगा तो कभी भी डीसी सीरीज मोटर को यू शुड नेवर रन इट ऑन नो लोड एंड इट इज नेवर ड्रिवन ऑन बेल्ट और चेन कभी भी आप क्या देखोगे आप कभी भी ऐसा नहीं देखोगे कि डीसी सीरीज मोटर को क्या होगा जो उसका रोटर है ना वो किसी बेल्ट या चेन के साथ कनेक्टेड है टू तो द लोड तो यूजुअली क्या होता है ऐसे आपका मोटर समझो आपका ये रोटर है यहाँ पर एक चेन के थ्रू इसको कनेक्ट किया जाता है आपके लोड के साथ तो अगर आपकी ये चेन कट गई तो क्योंकि आपकी चेन कट गई या बेल्ट जो है वो उतर गया अब क्या हो गया आपका जो ये जरसली हाई स्पीड सो कभी भी डीसीज मोटर को नो no लोड पे रन नहीं करो इट शुड बी ने ये जो मोटर्स होते हैं दीज मोटर्स आर स्यूटेबल फॉर हाई स्टार्टिंग टॉर्क एप्लीकेशन तो हमने यहां पर देखा था कि क्योंकि टॉर्क हमारा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो आपके करंट है इसका स्क्वायर तो so, जब आप मोटर को स्टार्ट करते हो तो उस टाइम पे ऑलरेडी जो स्टार्टिंग करंट होती है दिस इज टिपिकली हाई तो आपको जो टॉर्क मिलेगा स्टार्टिंग टॉर्क मिलेगा दिस विल बी वेरी हाई तो जहाँ पर भी आपको ऐसे लोड्स हैं जिनको बहुत ही हाई स्टार्टिंग टॉर्क जरूरत होता है तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं वी कैन यूज दिस सीरीज मोटर एंड वन मोर गुड थिंग अबाउट दिस मोटर इज अब देखो यहाँ पर क्या होता है एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं पावर कुशन इफेक्ट तो यहां पर आप देखो जैसे जैसे आप टॉर्क को बढ़ा रहे हो एज यू इंक्रीज योर टॉर्क स्पीड जो होती है दैट डिक्रीजेस तो आप देखो जैसे जैसे टॉर्क बढ़ रहा है टॉर्क आपका यहां से बढ़ रहा है स्पीड कम हो रही है सो so, इस इफेक्ट को हम बोलेंगे पावर उशन इफेक्ट जो आपका पावर होता है दिस इज इक्वल टू टॉर्क इन ओमेगा तो अगर आपका टॉर्क बढ़ेगा स्पीड आपकी कम हो जाएगी और अगर आपका टॉर्क कम होगा स्पीड हमारी बढ़ जाएगी तो इसकी वजह से क्या होता है जो पावर होता है पावर नहीं बढ़ता अगर ऐसा नहीं होता अगर आपके पास एक ऐसा लोड होता है जिसमें अगर आप जो ऐसा मोटर होगा जिसमें अगर आप टॉर्क बढ़ाओगे और स्पीड भी बढ़ रही है तो क्या होगा आपका पावर जो है इट वुड जस्ट इंक्रीज लीनियरली वो बढ़ता जाता बढ़ता जाता एंड योर मशीन वुड बर्न सो so, ये इनहेरेंटली क्या देता है आपको ये जो आपका डीसी सीरीज मोटर है इट गिव्स यू पावर क्वेश्चन इफेक्ट तो अगर आपका टॉर्क अचानक से बढ़ जाएगा तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी और जो पावर है इट विल नॉट गो टू मेरी हाई लेवल्स सो दिस वाज योर डीसी सीरीज मोटर सो इन डीसी सीरीज मोटर हमने देखे आपके वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट वन वॉज ये वर्सेस आई ए आपकी इक्वेशन आई थी तो आपके ड्रुपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए थे अगर आई ए जीरो होगा ये वाला ये सब आपका जीरो आ जाएगा सो एट नो लोड योर ए इज इक्वल टू वी उसके बाद जैसे जैसे आप करंट को बढ़ा रहे हो ऐसे ड्रुप बढ़ रहा है नेक्स्ट वॉज फ्लक्स वर्सेज आर्मेचर करंट तो क्योंकि यहाँ आर्मेचर करंट और जो करंट थ्रू द फील्ड वाइंडिंग है दिस इज सेम सारा सीरीज में कनेक्टेड uh, है तो जैसे जैसे हम आई ए को बढ़ाएंगे हमारा फ्लक्स भी बढ़ता जाएगा एंड आफ्टर सम टाइम सेचुरेशन हो जाएगी एक सिंपल सा अगर मैं आपको एक uh, का अगर अगर मैं आपको तो आपके पास एक दरवाजा है you have a big gate. तो इसमें से एक बच्चा आ सकता है दो बच्चा तीन चार पांच एट ए टाइम आठ नौ बच्चों को भी आने दे सकता है बट अगर आप चाहोगे कि इस गेट से एक साथ सो लोग घुसें, तो सो तो नहीं घुस सकते मैक्सिमम एट ए टाइम ये जो आपका ये गेट है यहाँ से कितने बच्चे आ सकते हैं 100 स्टूडेंट सॉरी ये 10 स्टूडेंट्स सो एट अ टाइम 10 स्टूडेंट्स कैन एंटर तो अगर आप क्या चाहेंगे 100 लोग एक साथ घुसना चाहेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता आफ्टर 10 ये जो आपका गेट है इसकी जो कैपेसिटी टू गो थ्रू दिस ये अब सैचुरेट हो चुके है सो so इसके बाद आप चाहे कितनी भी आप ट्राई करो तो इससे ज्यादा स्टूडेंट्स को आप इस गेट के थ्रू अंदर नहीं ला सकते सेम चीज होता है आपके फ्लक्स के साथ आप करंट बढ़ाते हो तो सपोज आपके पास एक आयरन का पीस है तो जैसे जैसे आप करंट बढ़ाते हो इसके थ्रू क्या आप देखते हो कि इसमें फ्लक्स जो है इट कैन इज़ीली पास बट आफ्टर टाइम क्या होता है इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी पे पहुंच चुके हैं तो अगर आप करंट को बढ़ाओगे भी सो फ्लक्स विल नॉट इंक्रीज सेम चीज यहाँ पर होती है दिस इज इन वेरी देसी टर्म्स बिकॉज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस बी डबल देन वॉज योर टॉर्क वर्सेज आई कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिकेटेड रीजन के लिए टॉर्क हमारा अनसे में हमारा टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का स्क्वायर स्क् रीजन में टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइए तो इसीलिए पहले आपके पास ऐसे एक पैराबोलिक कर्व आएगा उसके बाद लीनियरली ये चेंज होगा ओमेगा वर्सेस आई ए कैरेक्टरिस्टिक तो जो हमारा अनसेचुरेटेड रीजन था वहां पर हमने देखा कि स्पीड इजर्सिटी प्रोपोर्शनल टू करंट और सैचुरेटेड रीजन में एक लाइन की तरह ही आपका ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक आ जाते हैं लीनियरली ये डिक्रीज होता है तो ओमेगाम इज इनिवर्सिटी प्रोपोर्शनल टू आए तो अनसेचुरेट रीजन में ऐसा करवाएगा और उसके बाद आपके पास एक ऐसे लाइन की तरह एक ड्रुपिंग कैरेटरिस्टिक्स आपके पास आ जाएंगे तो so सिमिलरली आपके टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं में omega is inversely proportional to torque. So ऐसा आ जाएगा और उसके बाद फिर ऐसे आपके ड्रुपिंग कैरेक्टरिस्टिक आ जाएंगे सो दीज वर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर सीरीज मोटर सो इन नेक्स्ट न्यू